वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैट कमांड। द कैट कमांड हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब कैट कमांड, कैट की फुल फॉर्म है कंकैटिनेशन, ठीक है। अब कैट क्या काम करती है? फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल। तो ये कोई भी फाइल हमने बनाई होती है उसके बीच में जो भी कंटेंट, जो भी मटेरियल लिखा होता है ये उसको डिस्प्ले करती है, ठीक है। सेकंड है क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल। और किस काम आती है ये? नई टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना हो तो तब भी कैट कमांड का ही काम है, ठीक है। थर्ड में रीड टेक्स्ट फाइल, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या है उसको रीड करना, ठीक है, रीड टेक्स्ट फाइल। फोर्थ पॉइंट है फाइल कंकैटिनेशन। फाइल कंकैटिनेशन का मतलब, कंकैटिनेशन का मतलब श्रृंखलाबद्ध करना है या जोड़ना आपस में, ठीक है, कि नहीं दो तीन फाइल्स के अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको हम तीसरी फाइल के अंदर जोड़ देंगे, ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट है मॉडिफाइंग फाइल। मॉडिफाइंग नाम से पता चल रहा है कि फाइल के अंदर अगर हमने मटेरियल को मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए हम कैट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल, फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करना। अब फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने से पहले तो हमें फाइल क्रिएट करना पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले ये जो सेकंड पॉइंट है क्रिएट अ न्यू फाइल, पहले नई फाइल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल एंड एंटर टेक्स्ट विद कैट कमांड एंड एग्जिट एंट्री मोड विद कंट्रोल प्लस डी कमांड, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, हम नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं कैट कमांड के साथ, और उसके अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम सेव करेंगे कंट्रोल प्लस डी कमांड से, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया हुआ कैट ग्रेटर देन ऑफिस डॉट ओ डी टी। ओ डी टी जो है वो उबंटु या लिनक्स के अंदर फाइल के एक्सटेंशन है, ठीक है। वहाँ पे प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी फाइल क्रिएट होती है तो वो डॉट ओ डी टी नाम से बनती है, लेकिन हम विंडोज के अंदर काम कर रहे हैं तो हम cat greater than test dot txt, txt text नाम से बना लेंगे, doc नाम से बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम cyz win को ओपन कर लेते हैं कमांड्स को रन करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम चलते हैं ड्राइव के अंदर, cd f कॉलन और स्लैश, ये हम ड्राइव के अंदर हो गए एंटर, ठीक है। अब एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इस ड्राइव के अंदर, एम के डी आई आर सुनील नाम से मैंने इसके अंदर एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी एंटर। अब इस डायरेक्टरी के अंदर सेम जैसे हमने ड्राइव के अंदर एंटर किया था सी डी कमांड से, चेंज डायरेक्टरी कमांड से, हम फोल्डर के अंदर भी एंटर करेंगे सी डी कमांड से, सी डी सुनील। जैसे मैंने ये कमांड लगाई तो हम ये देखो यहाँ पे रूट आ गया कि हम एफ ड्राइव में सुनील नाम का जो भी फोल्डर है डायरेक्टरी है उसके अंदर एंटर कर दें, ठीक है। अब यूज करते हैं इस कमांड को, अब क्रिएट कर लेते हैं हम कैट ग्रेटर देन टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, cat greater than test dot txt। अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं, चलिए कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, computer is an electronic device, ठीक है। और सेव करने के लिए जैसे मैंने बताया था नीचे कंट्रोल प्लस डी टू टाइम प्रेस करना है, ठीक, टू टाइम ही प्रेस करना है सेव करने के लिए, एक एंट्री मोड एग्जिट के लिए और दूसरा जो है सेव करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर का जो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल, फाइल के कंटेंट को अगर हमने डिस्प्ले करना है ना तो उसके लिए सेम इसी कमांड को लिखेंगे कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी, कैट टेस्ट dot txt, ये देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इस फाइल को हम देख भी लेते हैं,
ड्राइव के अंदर चेक कर लेते हैं जहाँ पे ये क्रिएट हुई है। एप ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया था सुनील नाम से, इसके अंदर ये टेस्ट कंप्यूटर इज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने थर्ड पॉइंट, कंबाइन टेक्स्ट फाइल्स। वी कैन कंबाइन टू और मोर फाइल्स एंड कैन क्रिएट अ न्यू फाइल बाय यूजिंग कैट कमांड। तो हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा फाइल्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं और एक नई फाइल को तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग कैट कमांड। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कैट टेस्ट वन डॉट टी एक्स टी, टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी ग्रेटर देन, और ये कूल डॉट डॉक नाम से तीसरी फाइल क्रिएट कर दी हमने। पहले कौन सी बनाई हुई है, यहाँ से एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी बनाई हुई है और एक टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी नाम से बनाई हुई है फाइल्स। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना। यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को पहले, कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी, दूसरी फाइल है टेस्ट टू डॉट टी एक्स टी ग्रेटर देन कूल डॉट डॉक नाम से। चलिए अब इस फाइल को चेक भी कर लेते हैं, ये क्रिएट हो गई यहाँ पे कूल डॉक नाम से तैयार हो गई है ना, वर्ड की फाइल तैयार हो गई। ये आगे सारा मटेरियल मिक्स हो गया, लेकिन इसमें साथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत और भी चीज़ें जो हमारे लिए अंडरस्टूड नहीं है ना, पर फिर भी इसने क्या किया, मिक्स कर दिया, क्योंकि हम एक विंडो में जुगाड़ का काम कर रहा है हमारा सी बाई सी वन। ठीक है, लिनक्स और उबंटू में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो नीचे आ रहा है ना। ठीक है, ये मटेरियल जो है क्या मिक्स कर दिया दोनों फाइल्स का और एक नई फाइल के लिए। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मॉडिफाइंग फाइल और अपेंड डाटा टू ए टेक्स्ट फाइल। द कैट कमांड कैन बी यूज्ड टू अपेंड डाटा, मींस एडिट और मॉडिफाई डाटा इन ए टेक्स्ट फाइल। अब कैट कमांड के साथ हम और क्या काम कर सकते हैं, फाइल के अंदर पहले से जो लिखा हुआ है मटेरियल में और मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कूल एक यहाँ पे टीएक्सटी नाम से बनाई हुई है कूल। ठीक है, हमारे पास कूल डॉक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक फाइल क्रिएट कर ही लेते हैं कूल नाम से ना, तो ये कमांड्स समझ नहीं आएंगे। ठीक है, एक नई फाइल बना लेते हैं कूल डॉट टी एक्स टी, हमने यहाँ पे डॉक नाम से बना ली है ना, इस नाम से बना लेते हैं। ठीक है, हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कैट ग्रेटर देन कूल डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी, देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड सेव कर लेते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल टी टू टाइम प्रेस करना। ठीक है, अब कूल डॉट टी एक्स टी नाम से हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हो गई है ना। अब क्या करना है, हमने अपेंड करना है जो हमने फाइल तैयार की कूल डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर जो भी हमने मटेरियल लिखा है, हम चाहते हैं कि इसमें और मटेरियल ऐड करना, एडिट करना। ठीक है, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, कैट डबल क्रिएटर देन यूज करना कूल डॉट टी एक्स टी, और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर।
There are many people in this world facing many problems due to COVID-19. ठीक है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी. ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं. कोल चेक करने के लिए कमांड हमारे पास कैट कोल डॉट टी एक्स टी. ये देखो सारा मटेरियल ऐड हो गया. देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोविड-19. ठीक है, अपेंड भी हो गया, एडिट भी हो गया. ठीक है, चलिए अब चलते हैं 16 नंबर कमांड पे. फाइंड कमांड नाम से पता चल रहा है कि ढूंढने का काम करती है. द फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड फाइल्स इन द हार्ड ड्राइव. फाइंड कमांड का काम होता है फाइल्स को ढूंढने का. जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई फाइल ढूंढनी है तो हम क्या लिखेंगे, फाइंड. जैसे यहाँ पे हमने बनाई थी test2.txt नाम से, तो ये लो इसने ढूंढ के दी थी हमारे पास. ठीक है, test2.txt ये फाइल इसने ढूंढ के दी. जो नहीं होगी उसको नहीं बताएगा. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेमो डॉट फाइंड डेमो डॉट txt तो बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी है इसके अंदर. ठीक है, तो ये फाइंड का काम है. फाइंड जो होती है ये करंट डायरेक्टरी के अंदर ही, करंट फोल्डर के अंदर ही फाइल को ढूंढेगी. ठीक है, पूरे के पूरे कंप्यूटर में नहीं ढूंढेगी. इसके लिए लोकेट कमांड है. ठीक है, और लोकेट कमांड, द लोकेट कमांड इज मच फास्टर देन फाइंड कमांड एंड इट प्रिंट फाइल्स विद पाथ. अब लोकेट कमांड जो है वो उससे भी ज़्यादा फास्ट काम करती है. ये फाइल को उसकी पूरी डिटेल के साथ, उसके पूरे पाथ के साथ, कहाँ पे वो फाइल स्टोर है, कौन सी ट्राइब में है, किस नाम से है, वो सारा का सारा पाथ भी डिस्प्ले करेगी. लेकिन इसके लिए हमें ये कमांड जो है वो उबंटू में यूज़ करना पड़ेगी. उबंटू में भी हमें ये कमांड डालना पड़ती है इंटरनेट से. यूपी डेट अपडेट डीबी कमांड ये है. अपडेट कम डीबी कमांड है. इस कमांड को अगर ऐड करना होगा इसमें नहीं काम करती है सीवाईजी बिन में. ठीक है, ये ऐसे खाली रिटर्न कर देता है सीवाईजी बिन जो है. यहाँ पे हम लिखेंगे बिना लोकेट कोल डॉट txt एंटर, ये खाली रिटर्न कर दिया, इसने कुछ नहीं दिखाया. तो ये कमांड जो है वो उबंटू में ही काम करती है अच्छे से. ठीक है, विद पाथ दिखाती है फाइल. उसके बाद है सॉर्ट कमांड. अब सॉर्ट कमांड का काम है सॉर्टिंग का. सॉर्टिंग पता है ना, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर मान लो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगी. सॉर्ट कमांड प्रिंट लाइंस ऑफ ए फाइल इन ए सॉर्टेड ऑर्डर. जैसे सॉर्ट लिखा है यहाँ पे कोल डॉट txt. ठीक है, इससे पहले हम कोल डॉट txt में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि बाकी में ये सॉर्टिंग कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कूल फाइल ये बनाई थी हमने. ठीक है, इसको डिटेल को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे नंबर्स ही लिख देते हैं 7 5 4 उल्टे लिख देते हैं 2. ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो z y, यहाँ पे x लिख दिया. मान लो ये लाइंस है नीचे की तरफ. ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं. ठीक है, सेव कर दिया हमने और इसको बंद कर दिया. अब इस कमांड को हम लगा के देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लिखा था सॉर्ट कोल डॉट txt. ये देखो इसने सॉर्टिंग कर दी, 2 3 4 जैसे उल्टे लिखे थे ना इसने सीधे कर दिए. z y x लिखा था ना, तो इसने x y z जैसे सॉर्टिंग कर दी. ठीक है, ये सॉर्टिंग का काम करेगी. चलिए शुरू करते हैं. 19 नंबर पॉइंट है, 19 नंबर पॉइंट zip कमांड. zip कमांड इज यूज्ड टू कंबाइन अ बंच ऑफ फाइल्स इनटू ए zip फाइल. अब zip कमांड का काम है कि बहुत सारी फाइल्स को ये कंबाइन करके एक ही फाइल के अंदर डाल देती है इनटू ए सिंगल zip फाइल. ठीक है, अब इसका मेन काम ये है कि कभी कभी हमें ईमेल के, हमें ईमेल आईडी पे 20-25 फाइल इकट्ठी भेजना पड़ जाती है. ठीक है, तो अगर हम 20-25 फाइल को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे ईमेल के ऊपर, वैसे ही हमें सिंगल ही फाइल सेलेक्ट करना पड़ती है. ठीक है, अगर अलग अलग सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएंगी, लेकिन हमें सारी की सारी फाइल सेलेक्ट करना पड़ेंगी फिर एक एक करके. तो यहाँ पे zip कमांड क्या करती है कि एक सिंगल फाइल के अंदर बहुत सारी इकट्ठी
जो भी फाइल्स हैं उनको अपने अंदर डाल देती है और पैक कर देती है, जिप कर देती है। इसे जब हम ईमेल करनी होती है तो हमने एक सिंगल ही फाइल सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत सारी फाइल्स भरी होती हैं, एक बार में सेलेक्ट किया और सेंड कर दिया। तो ये जिप कमांड का काम है, उन फाइल को जिप करना, पैक करना। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे कमांड करते हैं जिप ऑफिस डॉट जिप टेस्ट डॉट टीएक्सटी टेस्ट टू डॉट टीएक्सटी और तीसरी थी हमारे पास कूल डॉट टीएक्सटी, एंटर। ये इसने प्रोसेस कर दी, ये तीनों की तीन फाइल इसने जिप कर दी। अब इसको चेक करते हैं ड्राइव के अंदर। ये देखो, ये बना दी इसने जिप करके ऑफिस, और इसने सारी फाइल जो है इसके अंदर डाल दिए, कूल टेस्ट टेस्ट टू। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, अनजिप। अब जैसे जिप की वैसे ही अनजिप। अनजिप का मतलब कि मान लो हमने ये फाइल सारी डाली इसके अंदर और भेज दी। अब दूसरी तरफ जो बंदा रिसीव करेगा इन फाइल्स इस फाइल को, तो उसको पहले इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब इन फाइल्स को बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके लिए अनजिप कमांड है। अनजिप कमांड एक्सट्रैक्ट ऑल दी फाइल इन टू करंट डायरेक्टरी। अब अनजिप कमांड क्या करती है कि सारी की सारी फाइल्स को इकट्ठा जो है एक्सट्रैक्ट कर देती है करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर के अंदर। नोट, कॉपी द जिप फाइल एंड पेस्ट इनटू अनदर डायरेक्टरी एंड अप्लाई द अनजिप कमांड। अब यहाँ पे हम मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि अगर इस कमांड को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना कि जो भी फाइल जिप है ना, तो उसको कॉपी करके हमने किसी और डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट कर देना है, फिर इस कमांड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम उस काम को पहले। पहले हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ ना ऑफिस को, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है कूल टेस्ट और टेस्ट टू। तो हम क्या करते हैं, एक और फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, मान लो माई फाइल्स करके लिख लेते हैं इसका नाम, माई या फाइल्स ही लिख लेते हैं यहाँ पे, FILES फाइल्स। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे या कट कर लेते हैं इसको, इसके अंदर डाल देते हैं फाइल्स के अंदर पेस्ट। अब हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब मान लो कि दूसरा बंदा दूसरी तरफ उसने फाइल रिसीव कर ली है और डाउनलोड कर ली है और इस फोल्डर के अंदर डाली हुई है, अब वो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अनजिप कमांड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनजिप, और यहाँ पे लिखेंगे जो जिप्ड फाइल है उसका नाम ऑफिस डॉट जिप, एंटर। कैनॉट फाइंड, एरर, यहाँ पे एक एरर आई क्योंकि हम सुनील डायरेक्टरी के अंदर है, हमने वहां पे एक और डायरेक्टरी बनाई थी अभी, किस नाम से है वो, फाइल्स नाम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल्स के अंदर जाना पड़ेगा पहले, सीडी फाइल्स, ये फाइल्स के अंदर हम एंटर हो गए। अब लगाएंगे अनजिप कमांड, अनजिप ऑफिस डॉट जिप, ये इसने एक्सट्रैक्ट कर दी, एक्सट्रैक्टिंग इन्फ्लेटिंग एक्सट्रैक्टिंग। अब देखिए, चलिए चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये था ना फाइल्स के अंदर ऑफिस बनाया था इसने, एक्सट्रैक्ट करके तीनों फाइल बाहर निकाल दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और नेक्स्ट कमांड के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। Audio Jungle.